लगातार मुकेश जी के साथ संपर्क में हैं लोग। हम लोग कल एडीजी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, मुख्यमंत्री जी खुद अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं और इस घटना को सीरियस लिए हैं। देश के हर नेता, चाहे बिहार के लालू यादव जी हों, तेजस्वी जी हों, सभी लोग गहरी चिंता व्यक्त किए हैं। हम कल ही 8 बजे मुकेश बाबू से मेरी बातचीत हो गई थी और चूंकि हम दिल्ली से चल दिए इनसे बात करने के बाद और रात ही आना था जलाने में, लेकिन विलम्ब होने के कारण सुबह 5 बजे पटना से चले। निश्चित रूप से शासन प्रशासन सब लोग गंभीर हैं, लेकिन यह गंभीरता पूरे प्रदेश की गहरी चिंता है। अपराधी माफिया जिस तरीके से लगातार जो घटना घटित हो रही है, बच्चों की हत्या, बेटियों की हत्या, घटना पर घटना, यह गंभीर विषय है और इस पर बिना राजनीति के सब लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए। ना इस दल, ना वो दल, ना सत्ता, ना विपक्ष, मर्डर मर्डर है, क्रिमिनल क्रिमिनल है। क्रिमिनल का ना कोई जाति होती है और ना हत्या का कोई जाति, धर्म और पार्टी होता है। इसलिए बिहार के विषय पर निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक हो, 13 दिन के बाद सबको बुलाया जाए और कैसे ये जो नेक्सस है अपराधी माफिया पदाधिकारी सभी लोग का, इससे कैसे बिहार को छुटकारा मिले, यह विषय है। मुकेश बाबू के पिता की हत्या के बाद यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है और इस पर एक कदम आगे बढ़ के काम करने की बिहार के लिए जरूरत है।